दर्शकों नमस्कार कुछ रोग ऐसे होते हैं जो साइलेंट किलर जिन्हें कहा जाता है और हमें पता ही नहीं चलता है हब कब उनका शिकार हो गए हैं ऐसे कई रोग हैं जैसे मधुमेह है बीपी है हाइपरटेंशन जिसे कहा जाता है और भी अनेक रोग होते हैं लेकिन ये हमें शुरू शुरू में तो लगते हैं कि ज़्यादा ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं लेकिन एक समय ऐसा आता अगर हम इनसे लापरवाही करें इनके देखभाल नहीं की जाए तो ये हमें घातक सिद्ध हो सकते हैं और कई भी खतरनाक बीमारियों को उनसे जन्म हो सकता है तो आज हम उनमें उन से ले रहे हैं एक मधुमेह जिसे डायबिटीज कहता है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर शैलेश गुप्ता जी, जी डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में हमने आमतौर पर देखा गया है कि जो आम नागरिक हैं छोटी मोटी जब बीमारी आती है तो हम उसकी परवाह नहीं करते हैं जी। उसमें ऐसे ही एक है मधुमेह शुरू में तो उसको पता चलता ही नहीं है लेकिन जब ये टाइप टू टाइप थ्री जो भी होती है उसमें जाता है तो उसमें जाके आदमी को पता चलता है और उसमें परेशान हो जाता है हमें सबसे पहले ये बताया जी मधुमेह होता क्या है जी मधुमेह यानी जैसे आपने बताया डायबिटीज जी तो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत सारे हमें लक्षण देखने को मिलते हैं जैसे शरीर में कमजोरी आ जाना जी जी। बार बार जो है व्यक्ति को बार बार जो है मूत्र विसर्जन करना पड़ता है जी जी। या पेशाब करने बार बार जाना पड़ता है थकान होती है, थकावट थकावट होती है भूख भी लगती है थके? भूख भी ज्यादा लगती जी। जी है जी। और डायबिटीज एक ऐसा डिजीज है एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि जो व्यक्ति है उसको उसके हर एक अंग पे प्रभाव पड़ता है डायबिटीज डायबिटीज से।, से जैसे जैसे डायबिटीज पुरानी होती जाएगी अगर डायबिटीज ठीक तरह से नियंत्रण में नहीं रहेगी कंट्रोल में नहीं रहेगी तो शरीर के सभी जो प्रमुख अंग हैं उन पे दुष्प्रभाव पड़ेगा जी जी और जब तक व्यक्ति को उन अंगों के प्रभाव की समझ आती है तब तक वो काफी ज्यादा डायबिटीज जो है ऑर्गन्स को डैमेज कर चुकी होती है जी जी जिस तरह हमारी आंखों पे इसका प्रभाव पड़ता है किडनीज यानी कि गुर्दों पे डायबिटीज का बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है मतलब पता नहीं चलता हो जबकि पूरा अंग हमारा खराब हो जाता है दूषित हो जाता है तब पता चलता है इसलिए इसको साइलेंट कलर कहा गया है जी ये बिल्कुल। कितने प्रकार की होती है इसमें भी कोई स्टेजेज होती है आयुर्वेद के अनुसार तो इसे बीस प्रकार का कहा गया है प्रमेह प्रमे कहते, प्रमे, प्रमे कहते हैं और इसे बीस प्रकार का कहा गया है और जो जनरली इसके आम भाषा में जो समझा जाता है इसमें एक टाइप वन डायबिटीज होती है एक टाइप टू होती है। जी जी जो जनरली ज्यादा लोग जिससे प्रभावित होते हैं वो टाइप डाएब टू डायबिटीज होती जी जी। है जी जिसमें कि जो ज्यादातर हम जो हैं जो औषधियां हैं औषधियों के सेवन से इसे कंट्रोल या ठीक किया जाता है आयुर्वेद के अनुसार इसका क्या निवारण है किस प्रकार इसका इलाज किया जाता है डायबिटीज का देखिए आयुर्वेद यह कहता है कि डायबिटीज का प्रमुख कारण है जो आपका लाइफस्टाइल है जो आपकी जीवन शैली है वो ठीक ना होना जी जी ठीक है आयुर्वेद स्पेसिफिकली ये कहता है कि अगर आपका बहुत ज्यादा सिडेंटरी लाइफ है जी मतलब आप अपने शरीर में जो है बिल्कुल भी हलचल नहीं करते हैं नहीं जीवन कर हैं। बिल्कुल आरामदायी जीवन है जी। तो वही जो है वो प्रमुख कारण है डायबिटीज होने का खान पान भी इसमें हो सकता है खान पान भी बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है उसी की तरफी ध्यान देना चाहिए किस प्रकार का खान पान चाहिए इसमें खान पान जो है आजकल जो हमारा खान पान हो गया है जैसे बेकरी का खाना ज्यादा मिठाई का सेवन करना और जैसे पेस्ट्रीज का सेवन करना इस तरह की जो चीजें होती हैं, इनमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है जी जी और ये बहुत बार बासी भी चीजों का हम सेवन करते हैं जंक फूड का हम सेवन करते हैं तो इन सब चीजों का सेवन करना जो है वो प्रमुख कारण है डायबिटीज होने का डॉक्टर साहब हमारी चर्चा जारी रहेगी अभी अल्प विराम का समय हो रहा है उसके बाद हम दोबारा जी बात करेंगे आपसे हाँ डॉक्टर साहब अभी हम बात कर रहे थे जंक फूड का आपने कई बार जिक्र किया है जी। और ये कितना खतरनाक है इसके लिए आप इसको बार बार इसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं हमारे दर्शकों का जी। तो जंक फूड हमें किस हद हाँ तक लेना चाहिए क्योंकि मन तो करता है जीव जी। की स्वाद के लिए मतलब हफ्ते में कितनी बार लेना चाहिए जिससे कि हम सही रहे या बिल्कुल नहीं लेना चाहिए बिल्कुल तो लेना संभव नहीं है अगर छोड़ा जाए तो ज्यादा अच्छा है तो इसके बारे में क्या आप सुझाव देंगे दर्शकों के जंक फूड हो गया पिज्जा बर्गर ये सब चीजें होगी जी जी तो बर्गर वगैरह जो होता है ये सब रेडी टू मेड होता है जस्ट उसको उसी वक्त वो रेडी करके देते हैं पहले बनाया लेकि... हुआ रखता हो, रखा होता है वो पहले जो इसकी जो इसकी कंटेंट्स हैं वो सब जी। पहले के रेडी रहते हैं क्योंकि इमीडिएटली उस टाइम पे आपको कोई दो मिनट में एक मिनट में पांच मिनट में बना के नहीं दे सकता तो उन कंटेंट्स को जो है वो उसमें डाल के दिया जाता है जैसे आलू का बर्गर है तो वो जो टिक्की होती है जो बर्गर के अंदर जाती है जो कि उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो पहले से रेडी रहती है उसे जस्ट फ्राई करके यानी कि वो ओल्ड फूड या बासी खाने में आ जाएगी इसके सिवाय जो बेकरी का खाना है पेस्ट्रीज हैं इनकी भी जो लाइफ है उसे फ्रिज में रखा जाता है इन सब चीजों को तो इसकी लाइफ जो है एक दिन दो दिन तीन दिन ऐसे रहती है और जो दुकानदार होते हैं तो वो ये थोड़े देखते हैं दो दिन का पाँच दिन का तो वो वो तभी बेच देंगे ऐसा हो सकता है उनके लिए तो जंक फूड का कोई विकल्प है स्वाद के लिहाज कभी आज की नई जनरेशन ज्यादा खाती है जो नई पीढ़ी है जी। तो ये स्वाद के लिहाज से खाई जाती है गुण के लिहाज से नहीं कि इसका जी, क्या हमारे फल होगा तो इसका कोई विकल्प है जंक फूड के लिए कि कोई दूसरी चीजें हम लें जिससे कि वो उससे बचा जाए कुछ फ्रेश चीजें ऐसे घर में बना के भी खाई जा सकती जाती स्वादिष्ट की तुलना में कह रहा हूं मैं जी जी बिल्कुल बताए फॉर एग्जांपल बर्गर है जी जी तो बर्गर आप स्वादिष्ट उसे फ्रेश लेकर घर बना में बनाकर घर में बनाकर भी खा सकते हैं मतलब आजकल लोग बहुत कुछ जो होम कुकिंग है उस तरफ भी काफी लोगों का ध्यान जा रहा है जी, तो कुछ चीजों का इनमें से काफी चीजों का हम घर पे बनाकर भी सेवन कर सकते हैं जी, 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 लेकिन ये बाहर के खाने को बिल्कुल हमें अवॉइड करना चाहिए या बहुत ज्यादा रेयरली इसका सेवन करना चाहिए जैसे पंद्रह दिन में एक बार या महीने में एक महीने बार में एक बार ठीक ठीक तो ठीक है लेकिन आजकल की जीवन शैली में नित्य प्रति इसका या डेली रोजाना इसका सेवन जो है वो शुरू हो चुका है जो कि बिल्कुल भी शरीर के लिए अच्छा नहीं है और प्रमुख रोगों का प्रमुख कारण है जो भी रोगों से लोग ग्रसित हो रहे हैं जी जी इसमें देर रात तक जागना या अति निद्रा ज्यादा सोना ये भी कारक है डायबिटीज के, के? देखिए खाना खाते ही सो जाना जैसे दोपहर में आपने हैवी खाना खाया और आप सो गए जी वो बिल्कुल ही शरीर में कफ को बढ़ाता है और डायबिटीज का कारण हो सकता है जी जी दूसरा आपने कहा देर से सोना जब व्यक्ति देर से सोएगा तो शाम को भी खाएगा रात को हो सकता है दो बार खा ले जी जी तो उसका जो खाने का सेवन जो है वो ज्यादा हो जाएगा जी जी और देर से जब व्यक्ति सोएगा नहीं उसकी नींद नहीं पूरी होगी स्ट्रेस बढ़ेगा डिप्रेशन हो सकता है तो जी ये जी सब जो चीजें हैं ये भी कारण बिल्कुल बनती हैं डायबिटीज में इसमें कोई भी संशय नहीं है जी, जी 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 इसमें हमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए जिससे कि हम डायबिटीज से बचते हुए दूसरे रोगों को भी अपने पे हावी ना होने दें जी हमें घर का बना हुआ ताजा भोजन जो है उसका सेवन करना चाहिए जी जी, जी, जी। इसके अलावा इसके अलावा जैसे कभी बाहर गए आप और आपको घर का भोजन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है या ठीक नहीं मिल रहा तो आप फलों का सेवन कर हैं जी जी फलों का सेवन भी जो है वो शरीर के लिए लाभदायक रहता है आज ये देखा जाए हमारे देश में भी 25 से 30 लाख लोग जो हैं वो डायबिटीज से मरते हैं और दो से ढाई करोड़ जो लोग हैं वो डायबिटीज के पेशेंट हैं जी तो जो इतने पेशेंट टाइप टू के होते हो गए उनको इससे परहेज करते हुए कैसे बचना चाहिए या कौन सी ऐसी आयुर्वेदिक औषध है जो रामबान जैसी हो गुणकारी हो उसके लिए आप सुझाव देंगे कोई जी देखिए जहाँ तक डायबिटीज से बचने का सवाल है जी डायबिटीज जो है जिनको डायबिटीज हो गई चुकी हो है उनके लिए पूछ रहा हूं हमें लोगों को यह समझना होगा कि डायबिटीज जो है वो एक डिसऑर्डर है जी जी डिसऑर्डर का मतलब है कि हमारी ही गलतियों की वजह से उसके होने की संभावनाएं ज्यादा हैं जी जी तो अगर हम ठीक खान पान का सेवन करें और नियमित रूप से व्यायाम करें तो हम निश्चित ही इससे बच के रह सकते हैं या फिर जो दुष्प्रभाव ये हमारे शरीर पर डालती है उससे जो शरीर को बचाया जा सकता है कि जो मधुमेह के रोगी हैं उनके लिए किस प्रकार परहेज करना चाहिए और उनसे निजात पाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए जैस जी, जी, जी जैसे मैंने आपको बताया कि डायबिटीज एक डिसऑर्डर है जी तो ये किस वजह से हुआ उन वजहों को हमें अवॉइड करना चाहिए जिसमें जी, जी, दो वजहें जो है प्रमुख है जी जी व्यायाम का सेवन ना करना और ठीक आहार का सेवन ना करना। जी जी तो ठीक आहार का सेवन मतलब जो गलत चीजें हैं उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए बासी खाने का सेवन नहीं करना चाहिए जंक फूड का सेवन नहीं करना चाहिए और हमें ऐसे आहार का सेवन करना चाहिए जो बिल्कुल ताजा बना हो और सूपाचे हो जी जी सूपाचे उसमें भी हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए और बेकरी की चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए बिस्किट्स हैं इनको अवॉइड करना चाहिए ये सब जी जी. चीज़ें जो हैं ये शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है खा ऐसे भी अच्छी नहीं है और अगर डायबिटीज रोग हो गया है तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और नित्य प्रति व्यायाम करना चाहिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि कुछ समय सुबह और कुछ समय शाम को हम व्यायाम जरूर करें तो आयुर्वेदा में डायबिटीज के लिए एक कहा गया तांबे का जल जी ये उसका सिद्धांत है कि तांबे का जल सेवन करना चाहिए हमें तो इसके बारे में भी डायबिटीज के लिए किस प्रकार सेवन कितनी बार करना चाहिए कब करना चाहिए बेसिकली इस तरह की धातु में जल रख के जल का सेवन किया जा सकता है बेसिकली होता क्या है कि डायबिटीज में बहुत सारी जो है शरीर में से जो जरूरी चीजें हैं वो कम हो जाती जी जी तो इस तरह की धातुओं में रखे हुए जल का सेवन करने से वो कमियां जो है वो पूरी की जा सकती डॉक्टर साहब आपने मधुपेह पे जी बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे हमें आशा के हमारे दर्शकों को इसका बहुत लाभ होगा तो दर्शकों हमने डायबिटीज़ जो कितना खतरनाक रोग है इसके लिए हमें किस प्रकार परहेज करना है और कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है ये हम जो डॉक्टर साहब से हमने लिए हैं सलाह जो उसका हम जरूर पालन करें और हम डायबिटीज से बचे रहें बहुत बहुत धन्यवाद